हेलो फ्रेंड्स, सेगमेंट पेड दिनेश में आपका स्वागत है। टुडे इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर आईटी। आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर का जो है उसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंड इन दिस टॉपिक यू विल गेट 5 to 10 मार्क्स। आपका एग्जाम में लगभग आपको 5 से 10 मार्क्स देखने के लिए मिल जाएंगे और 2 to 3 लॉन्ग क्वेश्चंस एंड दो से तीन आपका शॉर्ट टाइम यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। सो नंबर सिस्टम क्या होता है उसको मैं पहले आपको डिफाइन करके बता देता हूँ, देन वी विल डिस्कस वन बाय वन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम दैट आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ। सो एज पर द डेफिनेशन इज कंसर्न, इट इज द कोड। नंबर सिस्टम एक कोड है दैट यूजेस सिंबल्स, जो कि कुछ सिंबल यूज करता है to count the number of item। तो आपका कितना आइटम है, क्या है, उसको काउंट करने के लिए ये क्या करता है, कुछ सिंबल्स यूज करता है। द मोस्ट कॉमन एंड फेमिलियर टाइप ऑफ नंबर सिस्टम दैट वी आर यूजिंग आर, फर्स्ट वन इज योर बाइनरी नंबर सिस्टम, सेकेंड वन डेसिमल नंबर सिस्टम, थर्ड वन इज योर ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड फोर्थ वन इज योर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो जैसे आप सभी को पता है द कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड्स व्हिच लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज वी आर सीइंग दैट वन समटाइम्स एंड दैट इज नथिंग बट योर 0 and 1। तो 0 1 दो कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स, तो हमको क्या करना पड़ता है, हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है, सो व्हाट एवर वी आर इनपुटिंग टू द कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड के जरिए से जो भी हम लोग इनपुट करते हैं, तो वो क्या होता है, दैट इज योर हाई लेवल लैंग्वेज। और इसमें क्या है, आपका एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर रहता है जो कि हमारा जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग इनपुट करते हैं उसको पहले वो 0 1 फॉर्म जो कंप्यूटर समझता है उसमें कन्वर्ट करता है, देन वो एग्जीक्यूट करता है टास्क को। उसके बाद में क्या करता है, फिर हम लोग का जो लैंग्वेज है हम लोग जो समझ सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज बोल सकते हैं जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम में दिखाता है, तो उसको फिर वो दोबारा कन्वर्ट करता है कौन, ट्रांसलेटर प्रोग्राम। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। आपका जो भी है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। पहला जो है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, एज द नेम इटसेल्फ इज इंडिकेटिंग, बाय मींस क्या, टू। बाइनरी मतलब मैं यहाँ पे एक नंबर को कंसिडर करूंगा, तो यहाँ आपका दो ही नंबर आएगा। What is that? That is your 0 and 1. इसको आपको ध्यान में रखना है। बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 0 एंड 1 ही आएगा। So, how many numbers digits are there? दो ही है? Okay. So, though there are only two digits, two numbers, we can represent it with the base of 2. तो ये बेस को देख के आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप का नंबर सिस्टम है। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपके लिए, जैसे कि देखिए ऐसा एक नंबर बताइए जिसमें आपका 0 एंड 1 ही रहना चाहिए, अगर उसके अलावा मान लीजिए आप 2 3 4 कुछ भी डालते हैं तो आपका बाइनरी नंबर सिस्टम में नहीं आएगा, इट ओनली कंसिस्ट ऑफ 0 एंड 1। तो यहां मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए ये एक नंबर है और इसका बेस है 2। तो देखिए यहां पे हमारा जो भी नंबर फॉर्मेशन किए हैं that only consist of 0 and 1, और इसमें सिर्फ 0 and 1 दो ही डिजिट है, तो इसके लिए ये इसका आपका बेस हो गया 2। तो by looking at the base you can identify which type of number system it is। तो आपको पहले पहचानना है कौन सा टाइप का नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम आप जैसे पहचानना सीख जाएंगे उसके बाद we will discuss one by one how to convert from one number system to another number system and it is वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम के बेस में। सेकेंड वन इज योर डेसिमल नंबर सिस्टम, तो नाम ही यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है आपका डेसिमल, इसका मतलब क्या है, डेसी का मतलब हो गया आपका 10। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं 0 1 2 डॉट 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 और 2 ये आपका जाएगा कितना 9। सो इन टोटल अगर आप इसको काउंट करते हैं कितना हो रहा है, 0 to 9 10। So though there are 10 digits, तो जैसे यहाँ पे 10 digit है, तो इसका base हो गया आपका क्या 10। तो यहाँ से आप देख के मेरे को बताइए binary कैसे identify करेंगे, by looking at the base 2, it is a binary number system, by looking at the base
अगर 10 है दैट इज योर डेसिमल नंबर सिस्टम, और डेसिमल नंबर सिस्टम में आपको क्या आएगा, 0 से लेके आपका 9 तक का डिजिट ही रहेगा, इसके सिवाय आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलने वाला। इसका भी मैं एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आए। आप खुद बताएंगे यहां पे, ऐसा कोई नंबर बताइए जिसमें 0 से 9 रहेगा। लगभग सारे नंबर में आपका 0 से 9 ही रहता है। सो लेट मी टेक दिस वन 4 6 7 सपोज, ये हो गया आपका एक डेसिमल नंबर सिस्टम, गॉट इट। नेक्स्ट वन इज योर ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल मतलब क्या होता है, 8। तो जैसे इसका नाम ही इंडिकेट करता है कि ये नंबर सिस्टम में आपका 8 डिजिट आएगा। आपका मैक्सिमम कितना से कितना है, दैट इज फ्रॉम 0 1 2 अप टू आपका 7। ये देखिए, तो इन टोटल कितना हुआ यहाँ पे, 8। दो देयर आर 8 डिजिट 0 to 7, सो द बेस इज 8। समझ में आ गया, ऑक्टल का बेस है तो होता है आपका 8, डेसिमल का 10, बाइनरी का 2। अब इसका एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में 7 इज द हाईएस्ट एंड मैक्सिमम नंबर। यहां पे 8 और 9 आपका नहीं आने वाला है। तो आप बताइए, बेस हो गया 8, दिस इज द मोस्ट फेमस नंबर 143, ऑल ऑफ यू नो दैट, यस ओके। तो इसमें देखिए आपका 0 से लेके 7 तक का जो भी डिजिट है, देयर यहां पे अगर आप 8 लिख देंगे, जैसे मैं यहां पे 148 अगर यहां पे लिखूंगा, तो ये आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि 8 जो है इसके अंदर में नहीं है। इसको आपको ध्यान में रखना है, इसको हम लोग क्या लिए थे, 3 लिए थे, ओके। अब ये सही है, आपको इसको ध्यान में रखना है। द लास्ट वन दैट इज योर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। देखिए इसको समझने के लिए इसका मीनिंग इसके अंदर में छुपा हुआ है। हेक्स मतलब 6, डेसी मतलब अभी बताया था 10, इन टोटल दोनों को अगर मिलाएंगे हाउ मच, 16। दैट मींस इन हेक्साडेसिमल नंबर वी हैव 16 डिजिट्स और नंबर्स और सिंबल्स बोलेंगे। व्हाट इज दैट, दैट इज फ्रॉम 0 1 2 अप टू, मैं यहां पे आपको 15 में रिप्रेजेंट करता हूं, इन टोटल कितना हुआ 16। बट यहां पे एक आपका ट्विस्ट है, व्हाट इज दैट, जैसे आपका 0 से 9 तक का ही आएगा, अगर 11 12 हम लोग लेंगे तो मे बी आपका बाइनरी भी हो सकता है, मे बी डेसिमल भी हो सकता है, मे बी ऑक्टल नंबर हो सकता है, देन व्हाट इज द डिफरेंस। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपका फर्स्ट जो है 0 से लेके अप टू 9 तक का जाता है, ये आपका इन टोटल हुआ 10। उसके बाद जो 10 है उसको हम लोग कैपिटल ए में रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को कैपिटल बी में, 12 को कैपिटल सी, 13 को आपको कैपिटल डी में रिप्रेजेंट करना है, 14 को ई से रिप्रेजेंट करना है, एंड 15 को एफ से रिप्रेजेंट करना है। दैट मींस व्हाट, इधर का आपका 10 एंड इधर का आपका 6 इन टोटल। तो ये लास्ट 6 जो है आपका हेक्साडेसिमल से उसको अल्फाबेट में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम लोग कुछ समय डेफिनेशन देखे थे, यूजे सम सिंबल्स भी बोला है, तो कुछ नंबर्स एंड सिंबल्स को काउंट करने के लिए आइटम कितना है हम लोग यूज करते हैं नंबर सिस्टम। तो इन टोटल आपका हेक्साडेसिमल में कितना हुआ 16, सो बेस इज 16। अब इसका एग्जांपल भी एक लेंगे, देखिए आपको एक ऐसा नंबर लेना है जिसमें आपका 0 से 9 तक का भी होना चाहिए एंड ए से एफ तक का होना चाहिए, तभी हम लोग उसको कंसीडर करेंगे एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम विद बेस मेंशन। अगर आप बेस मेंशन किए हो, अगर बेस मेंशन नहीं किया है तो आपका 0 से लेकर कोई भी नंबर विद इन आपका 9 तक का कोई भी हो सकता है, मेबी बाइनरी हो सकता है, आपका डेसिमल भी हो सकता है, ऑक्टल भी हो सकता है, हेक्साडेसिमल हो सकता है। ओनली द डिफरेंस बाइनरी में सिर्फ 0 1 आएगा, जैसे मैं मान लीजिए आपको बोला 110, ये कौन सा नंबर सिस्टम होगा आप बताइए। अगर मैं इसको बोलूं 110, 110 बोलने से क्या होगा, देखिए आपका इसके अंदर में भी आ रहा है, बाइनरी में भी आ रहा है, डेसिमल में भी आ रहा है, ऑक्टल में भी आ रहा है, हेक्साडेसिमल में भी आ रहा है। तो फॉर दैट रीजन ओनली वी आइडेंटिफाई ए पर्टिकुलर नंबर बाय लुकिंग एट द बेस। तो इसके लिए बेस जरूरी है, आपको बेस को मेंशन करना पड़ेगा। अगर मैं यहां पे मेंशन करूं 16,
तो ये है आपका हेक्साडेसिमल नंबर। अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ 10, ये है आपका डेसिमल नंबर। इफ आई मेंशन द बेस एज 8, तो ये हो गया आपका ऑक्टल नंबर। तो लाइक दैट आपका हेक्साडेसिमल का एग्जांपल आप बताइए मेरे को। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लीजिए 7AC, बेस हो गया आपका 16। तो यहाँ पे देखिए 0 से 9 तक का एक डिजिट है और आपका जो A से F तक का है उसमें से 2 है। सो बाय लुकिंग एट दीज नंबर्स और सिंबल्स एंड लुकिंग एट द बेस वी कैन आइडेंटिफाई व्हिच टाइप ऑफ नंबर सिस्टम इट इज। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम, जो कि आपका आईटी सेक्शन से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर का एक खास टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, खास करके ओ लेवल स्टूडेंट लोग के लिए। सो उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। इन नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस इन डेप्थ व्हाट इज बाइनरी नंबर सिस्टम एंड हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड वाइस वर्सा। तो इन टोटल आपका 12 कन्वर्सन होने वाला है, दैट इज योर प्लेन कन्वर्सन। एंड अगर मैं फ्रैक्शन पार्ट को भी कंसीडर करूंगा देन अगेन यू विल गेट 12 टाइप ऑफ कन्वर्सन। सो इन टोटल देयर आर 24 कन्वर्सन यू विल गेट इन दिस टॉपिक। और यही आपका एग्जाम में आता है कन्वर्सन, जो है 2 से 3 लॉन्ग क्वेश्चंस। सो होप यू विल एंजॉय इन द कमिंग लेसंस। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।